हेलो दोस्तों, सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। 28 अक्टूबर 2018 जैसे जैसे पास आ रहा है, आपको रिवीजन की ज़रूरत होगी। आप इस वीडियो के माध्यम से पिछले 10 महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर सकते हैं। पिछले 10 महीनों में न जाने कितने ही करंट अफेयर्स के वीडियोज़ आपने देखे होंगे, डेली वीडियोज़, मंथली वीडियोज़, स्पेशल इवेंट्स के वीडियोज़, कैटेगरी वाइज वीडियोज़ जो मैं लगातार डाल रहा हूँ कल 3 दिन से। 28 अक्टूबर की तैयारी में जो मेन चीज़ आपकी रहने चाहिए करंट अफेयर्स पर्टिकुलरली, उसके लिए अब रिवीजन। अब नया कुछ मत पढ़िए, इवेंट्स की डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, इवेंट्स को समझने की ज़रूरत नहीं है, खाली फैक्चुअल चीज़ों पर फोकस करिए अगर आपको अपने 60% क्वेश्चन करंट अफेयर्स में सही करने हैं। पिछले 10 महीनों का यहाँ पर लेंगे, जितने भी अभी यूपीपीएससी ने अपने खुद के पेपर करवाए हैं पिछले 1-2 महीनों में, उससे जो पैटर्न करंट अफेयर्स का मुझे पता लग रहा है, पिछले 10 से 14 महीनों को आपको फोकस करना है और मैग्नीट्यूड रहने वाला है पिछले 1 साल तक। पिछले 1 साल तक के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आप पिछले 10 महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में कर सकते हैं। दिसंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं देखना बिना देर किए। यूएन ने इस डिकेड को यानी कि 2019 से लेकर के 2028 तक के डिकेड को किस रूप में मनाने की घोषणा की थी, इसका आंसर है नेल्सन मंडेला शांति दशक। नेल्सन मंडेला पीस डिकेड के रूप में मनाने की घोषणा की थी। सुशासन दिवस हम लोग मनाते हैं 25 दिसंबर को, इस दिन होता है स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए ने यूएसए के अलावा किस देश ने इजराइल में अपना दूतावास तेल अवीव से हटा करके यरूशलम ले जाने की घोषणा की थी और फिर बाद में कर लिए थे स्थानांतरित, ग्वाटमेला ने सबसे पहले बात उठाई थी यूएसए ने, फिर ग्वाटमेला भी इसमें आगे आया था और इसने तेल अवीव से हटा करके यरूशलम ले जाने का काम किया था अपने एम्बेसीज को, अपने दूतावास को, क्योंकि इन देशों का मानना था कि इसराइल की राजधानी यरूशलम है ना कि तेल अवीव। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रकरण था और इससे एमपीपीएससी में भी प्री में क्वेश्चन आया था। अटल इनोवेशन मिशन के तहत टिंकरिंग लैब्स जो हैं 1500 एडिशनल स्कूल्स में खोले जाने की घोषणा की गई थी जैन में। आपको इसमें यह बताना है कि अटल टिंकरिंग लैब्स किसका प्रोजेक्ट है, ये नीति आयोग का प्रोजेक्ट है, ध्यान रखेंगे इसको, नीति आयोग का प्रोजेक्ट है अटल टिंकरिंग लैब्स। अगला हमारा क्वेश्चन है, अपना लोगो जारी करने वाला पहला शहर कौन सा बन गया था, हमारे देश में अपना खुद का लोगो जारी करने वाला शहर बना था बेंगलुरु, बेंगलुरु ने अपना लोगो जारी किया था। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के द्वारा दिसंबर में कितने गुरुकुलों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था, 100 गुरुकुल इस तरह के खोले जाने वाले थे। भारत श्रीलंका के बीच दिसंबर 2017 में T20 श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज कौन बना था, लोकेश राहुल। आपसे खैर ये नहीं पूछेंगे, आप इसको स्किप कर सकते हैं, खाली इंपॉर्टेंट वाले करते हैं। दिसंबर में टेम्बिन नाम का तूफान आया था, इससे प्रभावित इलाका कौन सा रहा था, फिलीपींस का, ठीक है फिलीपींस याद रखेंगे। एशियाटिक टाइगर्स की संख्या 50 से भी कम रह गई है, अब ये किस देश में पाए जाते हैं, रिपोर्ट के अनुसार जो आई थी दिसंबर में, ये पाए जाते हैं भारत में जो 50 से कम जो भी बचे हुए हैं। कौन सी नदी यहाँ पर दो राज्यों के बीच विवादित है, वो है महादई नदी। महादई नदी दो राज्यों के बीच विभाजित है या फिर विवादित है कह सकते हैं, गोवा और कर्नाटक। साइंस मैगजीन के अनुसार वर्ष 2017 की उपलब्धि क्या रही थी, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर बताया गया था न्यूट्रॉन तारा विलय को। दिसंबर में घोषणा की गई थी कि ग्राम गंगा योजना के तहत कितने गांवों को विकसित किया जाएगा, इनकी संख्या होगी 4470। पीओके में पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस नदी पर आजाद पट्टन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की योजना पर काम कर रहा था, इसका आंसर है झेलम नदी, ठीक है। दिसंबर 2017 के अंतिम सप्ताह में भारतीय इतिहास कांग्रेस का 78वां अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था, यह आयोजित हुआ था कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने बाजार में सब्जियों का दाम कम होने पर किसानों के हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए भावांतर भरपाई योजना शुरू की थी, ये शुरू की गई थी हरियाणा में। एक सिमिलर योजना इसकी आती है भावांतर भुगतान योजना, ये शुरू की थी मध्य प्रदेश ने, ठीक है। तो ये इससे क्वेश्चन पूछे गए थे MPBS में, तो इसको आप देख लेना इंपॉर्टेंट है। रजनीश गुरबानी रणजी ट्रॉफी के फाइनल में हैट्रिक बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने थे और पहले खिलाड़ी का नाम ये लिखा हुआ है, आप लोग ये लिख करके बताइए कमेंट्स में कि रणजी ट्रॉफी किसने जीती थी। किस देश ने माउंट एवरेस्ट पर अकेले माउंटेनियरिंग करने पर, चढ़ाई करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, नेपाल में। इसमें कुछ गाइडलाइंस आई थी नेपाल की तरफ से कि बूढ़े लोग नहीं चढ़ सकते हैं, जो लोग बीमार हैं वो नहीं चढ़ सकते हैं, उन्हें किसी के साथ जाना चाहिए, तो ये कुछ रोक लगाई गई थी। वर्ष 1951 के नागरिकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर के पश्चात पहला ड्राफ्ट जो है नागरिकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, असम बना था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ सकते हैं आपसे यूपीपीएससी में।
हमने अवार्ड्स एंड ऑनर्स के वीडियो में भी देखा था कि प्रतिभा लक्ष्मण गई को, जो कि काम करती हैं न्यूयॉर्क में, साइंटिस्ट हैं, इनको डेमहुड से सम्मानित किया गया था महारानी के द्वारा। ब्रिटेन की रॉयल फैमिली नाइटहुड देती है मेल्स को और उसी का इक्वेलेंट होता है फीमेल्स के लिए डैमहुड। तो डैमहुड के लिए 3 भारतीयों को चुना गया था, उनमें से एक थी प्रतिभा लक्ष्मण गई। ठीक है, तो प्रतिभा का नाम आप ध्यान रखेंगे। ये सब ऐसे हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स के वीडियो में भी देख चुके हैं। भारत में हाल के दिनों में यानी कि उस समय चर्चित हो रही थी हाप की दो नाम की मार्शल आर्ट। तो ये कहाँ की मार्शल आर्ट है ये आपको बताना है। इसका आंसर है साउथ कोरिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने दिसंबर 2017 में लोकल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पहला फोटोवोल्टाइक राजमार्ग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। CHSL वालों ने इस क्वेश्चन को उठाया था जो कि मार्च में एग्जाम्स हुए थे इस साल। इसका आंसर है चाइना। चाइना ने फोटोवोल्टाइक राजमार्ग शुरू किया था। ठीक है, मतलब फोटो वोल्ट के सहारे से राजमार्ग को रोशनी देना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने हाल ही में यानी कि उस समय जैन में अदुथुरी 51 नाम की प्रजाति की खेती शुरू की थी। अदुथुरी 51 किस फसल की प्रजाति है? ये है चावल की नई फसल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल में फुटबॉल खिलाड़ी जॉर्ज वी को किस देश का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था? इनको लाइबेरिया का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था, हमने बताया था आपको इसके बारे में। किस शहर के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ओपनली यूरिनेट करने वालों के लिए लाठी सीटी योजना शुरू की थी? इसका आंसर है हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने। 28 दिसंबर 2017 को भारत ने एडवांस्ड एयर डिफेंस सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया था। इस इंटरसेप्टर का लक्षित या टारगेट मिसाइल कौन सा था? पृथ्वी मिसाइल। ठीक है, हम लोग अभी बहुत सारी मिसाइलों का टेस्ट कर चुके हैं, उनमें एक Agni-5 है, एक हमारा अस्त्र है जो हमने हाल में परीक्षण किया है उसका, तो इन सब परीक्षण से कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। विश्वनाथन आनंद ने रियाद में आयोजित विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता था 2017 में, और इससे क्वेश्चन CHSL में पूछा गया था। आखिरी बार इन्होंने 2003 में जीता था और उसके बाद डायरेक्टली 2017 में जीता था। रियाद कहाँ पड़ता है ये कॉमेंट्स पर लिख करके बताइए। रियाद जो है ये किस कंट्री की राजधानी है कॉमेंट्स पर लिख करके बताएँ। नासा ने दिसंबर 2017 में अनाउंस किया था कि 2020 के दशक में हमारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी तस्वीर लेने के लिए एक टेलीस्कोप हम लोग प्रक्षेपित करेंगे, लॉन्च करने वाले हैं। तो उस टेलीस्कोप का नाम क्या था? उस टेलीस्कोप का नाम था WFIRST। ठीक है, WFIRST ध्यान रखेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कुछ रिपोर्ट जारी की थी 2016-2017 वर्ष के लिए। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता थी 351 ग्राम। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कृषि से वैसे भी पूछता UPSC, आप देख लेना। गैर वन क्षेत्रों में बांस को काटने और बेचने की अनुमति देने के लिए निम्नलिखित में से किस कानून में संशोधन किया गया था? भारतीय वन अधिनियम 1927 में। ठीक है, ग्रीन गोल्ड हम लोग कहते हैं बांस को। भारत में सबसे पहले पॉट टैक्सी की शुरुआत कहाँ से की गई थी? दिल्ली से गुड़गांव के बीच। सिनेमा हॉल और पब्लिक प्लेसेस पर राष्ट्रगान की अनिवार्यता पर सिफारिश करने के लिए, रिकमेंडेशंस करने के लिए 9 जनवरी 2018 को किसकी अध्यक्षता में 12 सदस्यीय अंतर मंत्रालयी यानी कि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया गया था? इसकी हेड कौन थे? इसके हेड थे बी आर शर्मा इसके हेड थे, और ये आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे अभी हाल के एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज की श्रृंखला जीती थी। तो बस ये याद रखना कि 2017-2018 की एशेज किसने जीती थी? ये जीती थी ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, जम्मू कश्मीर सरकार ने निम्नलिखित में से किनके लिए मुहाफिज नाम की सामाजिक सुरक्षा स्कीम की शुरुआत की थी जनवरी में? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए इन्होंने मुहाफिज नाम की स्कीम की शुरुआत की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जनवरी में चर्चा में रहा था अनुसंधान अभिकल्प मानक संगठन RDSO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन, ये भारतीय रेलवे मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। ये संगठन का मुख्यालय लखनऊ में पड़ता है। ये एक ISO 9001 अनुसंधान और विकास संगठन है। तो इसके बारे में तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ध्यान रख लेना। RDSO के बारे में, ये रेल मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस मंदिर में महिलाओं को प्रवेश करने के लिए वैध आयु प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया गया था? सबरीमाला मंदिर केरल में, पाठनमिथन डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है, पेरियार टाइगर रिजर्व के पास। तो इस मंदिर में ये अनिवार्य कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड अय्यप्पा होते थे, इनको नैष्टिक ब्रह्मचारी माना जाता था, और 10 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाएं, और मोर स्पेसिफिकली बोलें तो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकती थी।
तो अभी आपने देखा था, इसी मंथ मैंने वीडियो डाला था सबरीमाला टेम्पल के बारे में। 800 वर्ष पुरानी जो परंपरा है वो खत्म कर दी गई है, थंबनेल पर लिखा था, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त कर दी है सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट डिसीजन ने। कोई भी किसी भी वर्ष की महिला अब सबरीमाला में प्रवेश कर सकती है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आप इसमें याद रख सकते हैं। गृह मंत्रालय के एक डिपार्टमेंट NCERB के अनुसार 2016 में किस राज्य में सर्वाधिक 1350 छात्रों ने आत्महत्या की थी? सबसे ज़्यादा सुसाइड की थी महाराष्ट्र के छात्रों ने, याद रखेंगे। अच्छा बताइए, हम लोग सुसाइड डे कब मनाते हैं? ये हम मनाते हैं सितंबर में, किस तारीख को मनाते हैं कमेंट्स में लिख करके बताइए, और अगर आप थीम बता सकते हैं तो भी बताइए, काफ़ी रिवीजन होगा आपका। प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था जनवरी में कि किसानों की आय को हम लोग दुगना करने वाले हैं 2022 तक, और कमेटी भी इसके रिकमेंडेशंस के लिए बनाई गई थी पहले भी। तो उस कमेटी का नाम क्या था? अशोक दलवाई कमेटी, ठीक है, अशोक दलवाई कमेटी, ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा चुका है एक बार। जनवरी में 2018 की शुरुआत में किताब छपी थी फायर एंड फरी, इनसाइड द ट्रंप व्हाइट हाउस। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं माइकल वुल्फ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा आप हमको ये कमेंट्स पे लिख करके बताइए कि होम फायर करके जो किताब है इसकी लेखिका कौन है? चीन ने 2018 में पाकिस्तान के ग्वादर में अपने दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अड्डे को बनाने की शुरुआत कर दी थी। आपसे क्वेश्चन अगर पूछेंगी कि ये चीन का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अड्डा किस देश में है, तो उसका आंसर हो जाएगा जिबूटी। जिबूटी उन कंट्रीज़ में से एक है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का निर्माण करती हैं। जिबूटी, इथोपिया और आपका दो और कंट्रीज़ हैं जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाती हैं, तो जिबूटी उनमें से एक है, अफ्रीकन कंट्री, याद रखेंगे। माली न्यूज़ में था, तो माली क्या था? माली नासा के क्यूरोसिटी रोवर का लेंस इमेजर था, तो आप इसको याद रख सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कराए गए अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वे में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उच्चतर शिक्षा नामांकन GIR में सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त किया था? इसने तमिलनाडु ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओरिजिन के रवि मेनन को 2018 के लिए एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंक गवर्नर, सेंट्रल बैंक गवर्नर के रूप में चुना गया था, और ये एक मैगजीन है जिसमें छपा था ये। और आपको बताना है कि किस देश के केंद्रीय बैंक के मैनेजर प्रबंध निदेशक हैं? वो हैं रवि मेनन, सिंगापुर के हैं, सिंगापुर के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, इस समय भी हैं, और तब उनको ये एशिया पैसिफिक के सर्वश्रेष्ठ सेंट्रल बैंक के गवर्नर का अवार्ड, या फिर आप कह सकते हैं सम्मान, मिला था। जैन में अनावेल किया गया था 10 रुपए का नोट, जो कि आजकल हमारे पास है, बहुत चलन में भी है। तो इसमें किसका चित्र बना हुआ है? इसमें कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आजकल 100 का नोट जो है रिसेंट में आया था, तो उसमें रानी की वाव का चित्र है, तो ये सब चित्र आपसे पूछ सकते हैं। और बैंक एग्जाम्स में इनकी मेजरमेंट्स से भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, तो मेजरमेंट्स भी आप लोग देख लेना, खाली बैंक एग्जाम्स के लिए आते हैं, बाकी कभी आपसे नोटों की मेजरमेंट अदर एग्जाम्स में नहीं पूछते हैं। भारत सरकार ने अप्रैल 2018 तक लक्ष्य रखा था कि हम IPB की, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, 650 शाखाएं खोल लेंगे, लेकिन क्या ये लक्ष्य पूरा हो पाया था? नहीं हो पाया था। ये कब खुली थी? सितंबर में, सितंबर में खोली गई थी, मिड सितंबर में, आपको ध्यान होगा, लॉन्च किया था PM मोदी जी ने, QR कोड आधारित यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स की सुविधा, पंजाब नेशनल बैंक से करार किया गया था उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई थी। पोस्टमैन जो थे वो मशीन्स का प्रयोग करके लोगों को ट्रांजेक्शन्स करवाने वाले थे, बेहद काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन ये अप्रैल में नहीं हो पाई थी। ये कब हुई थी? सितंबर में। तो आप ये ध्यान रखेंगे ज़रूर कि पहली दो शाखाएं पायलट के तौर पर कहाँ खोली गई थी? रायपुर और रांची में। अभी भी आपसे पूछ सकते हैं, UPSC पुराने क्वेश्चन ज़्यादा पसंद करता है, जो छुपे होते हैं, जो जल्दी न्यूज़ में नहीं आते हैं, वही चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। नाबार्ड की अधिकृत पूंजी बढ़कर कितनी हो गई थी? 40,000 करोड़ रुपये। ये ज़्यादा फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत सरकार ने यूरिया का उपभोग कम करने के लिए यूरिया के बैग का वजन घटाया था। जो पहले यूरिया का बैग आता था 50 kg इसमें, वो फिर आने लगा था 45 kg इसमें। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जामनगर में विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी ऑफ गैस क्रैकर आरंभ किया था? ये किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। DB शिकाटकर कमेटी किससे संबंधित है? ये रिकमेंडेशन से संबंधित है, सशस्त्र बलों की मारक क्षमता में समृद्धि से। एक बार फिर से देखते हैं, सशस्त्र बलों की मारक क्षमता में समृद्धि से संबंधित कमेटी का गठन किया गया था, जिसके हेड थे DB शिकाटकर। ग्रीन पीस इंडिया की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित राज्य कौन सा पाया गया था? फेब के आसपास ये पाया गया था, उत्तर प्रदेश, ध्यान रखेंगे। UPSC से मैं पूछ सकते हैं आपसे, ग्रीन पीस इंडिया
की एयर क्वालिटी रिपोर्ट में सबसे प्रदूषित राज्य पाया गया था? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच अप्रैल 2018 में 2+2 डायलॉग आयोजित होने वाला था, नहीं हो पाया था? कब हुआ था? सितंबर में। ठीक है, तो ये पहले होने वाला था, तो अब हम हो चुका है, पे आ चुके हैं। तो 2+2 डायलॉग हुआ था, निर्मला सीतारमण जी और हमारी सुषमा स्वराज जी शामिल हुई थी, उधर की तरफ से माइक पॉम्पियो थे और एक और पर्सन थे। तो 2+2 डायलॉग हुआ था, कोमकासा साइन किया गया था। कोमकासा उन चार इंपॉर्टेंट पैक्ट्स में से एक है जो हर कंट्री को यूएसए के साथ साइन करना होता है, अगर उनको यूएसए की डिफेंस से संबंधित हाई एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, उसको खरीदना है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें याद रख सकते हैं। अप्रैल में प्रस्तावित था, फिर जुलाई में प्रस्तावित हुआ और फिर डिले होते होते आ गया सितंबर में। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी नामित किए गए थे विजय केशव गोखले, और अभी भी ये बने हुए हैं, इस वजह से इनका अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर विदर्भ क्रिकेट टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे शुरू में वीडियो में और इसका आंसर यहीं पर आ गया। विदर्भ ट्रॉफी मतलब विदर्भ ने जीती है यहाँ पर रणजी ट्रॉफी 2017-18 वर्ष की, और किसको हराया? दिल्ली को। ऑप्शन नंबर डी पर मुंबई है। आपसे पूछ सकते हैं सबसे ज्यादा बार रणजी ट्रॉफी किसने जीती है, उसका आंसर हो जाएगा मुंबई। निम्नलिखित में से किन दो देशों ने पहली बार 1 जनवरी 2018 से वैट नामक कर लागू किया था अपने देश में? यूएई और सऊदी अरब ने। विश्व पर्यावरण दिवस का जो हम लोग मनाते हैं 5 जून को, हर साल 5 जून को, तो यहाँ पर वैश्विक मेजबान देश घोषित किया गया था, ग्लोबल होस्ट भारत, भारत में मनाया गया था, मतलब भारत ग्लोबल होस्ट था विश्व पर्यावरण दिवस का। इस बार थीम रही थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने नारी पोर्टल शुरू किया था। नारी पोर्टल किससे संबंधित था? महिला से संबंधित योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए इसको लॉन्च किया था मेनका संजय गांधी ने। इस समय भी और उस समय भी ये हेड बनी हुई है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की। 1 फरवरी 2018 को कितनी राशि से अधिक वस्तुओं की एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसपोर्टेशन पर ई वे बिल अनिवार्य कर दिया गया था? न्यूनतम 50,000 से अधिक, ठीक है, मतलब 50,000 से कम में ई वे बिल नहीं देना है अदर राज्य में जाने के लिए वाहन को माल लेकर के, लेकिन 50,000 से अधिक की कीमत की वस्तु है तो उसको ई वे बिल कैरी करना होगा। और लगभग लगभग ये हमारे सारे राज्यों प्लस यूटीज में आज की डेट तक ये ई वे बिल की व्यवस्था लागू हो चुकी है। वैज्ञानिकों ने फरवरी में एक डबल वर्लपूल यानी कि दोहरे भंवर की खोज की थी, कहाँ से? तस्मान सागर से, टस्मैन सी से ये खोज की गई थी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार वर्ष 2017 में निम्नलिखित में से किस राज्य में बाघों की सर्वाधिक मौतें हुई थी? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनवायरनमेंट से इस तरह का आता है, फैक्ट बेस्ड, इसका आंसर है मध्य प्रदेश। 31 दिसंबर 2017 को हाथी दांत के व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था चाइना ने। स्मार्ट सिटीज चैलेंज के फोर्थ राउंड में सबसे अच्छी रैंकिंग किसको मिली थी? सिलवासा स्मार्ट सिटी को। आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली चुने गए थे, अवार्ड्स में डिस्कस कर चुके हैं अवार्ड्स वाले वीडियो में, ठीक है, सब बता चुके हैं उसके बारे में। जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनता है उसको सर गारफील्ड सॉबर्स की ट्रॉफी मिलती है, तो इस बार किसको मिली? विराट कोहली को ही। विराट कोहली ने गारफील्ड सॉबर्स की ट्रॉफी जीती, विराट कोहली ने पाली उमरीगर का पुरस्कार जीता इस बार, विराट कोहली सीएट क्रिकेट रेटिंग्स में नंबर वन पर रहे थे, विराट कोहली 12वीं आर्मी में सर्वश्रेष्ठ फॉरेन क्रिकेटर चुने गए थे, और बहुत बहुत सारी चीज़ें विराट कोहली ने इस बार जीती। फरवरी में अमीश त्रिपाठी ने अपनी नई किताब रावण के प्रकाशित होने की बात कही थी, और आप देखेंगे कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके 2 दिन बाद ये रावण वाली किताब आएगी इनकी, और ये ट्राइलॉजी लिखते हैं अमीश त्रिपाठी, इनकी नेक्स्ट किताब होगी रावण, बुक्स एंड ऑथर्स वाले वीडियो में ऑलरेडी देखा जा चुका है। भारतीय वकील गुरबीर सिंह ग्रेवाल बने थे संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के अटॉर्नी जनरल, एक प्रांत के बने थे, तो इम्पोर्टेंट है, अगर किसी इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति को बाहर कोई पद मिलता है तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना सकता है एग्जाम में। हाल ही में भारत सरकार का कौन सा अभियान 1 करोड़ का आंकड़ा पार करने के कारण खबर में रहा था? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसने 1 करोड़ के अपने स्पैन को पूरा कर लिया था, 1 करोड़ लोगों तक ये पहुंच चुका। अब देखेंगे कि अटल पेंशन योजना भी 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, लेटेस्ट डेटा के अनुसार 1 करोड़ 11 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं अटल पेंशन योजना के, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप इसमें याद रख सकते हैं। हाल ही में देश में दुनिया की सबसे लंबी जलमग्न सुरंग खोजी गई थी, फेब में खोजी गई थी, कहाँ पर? मेक्सिको में, जलमग्न सुरंग सबसे लंबी मेक्सिको में।
किस देश में लोनलीनेस मिनिस्ट्री का गठन किया गया था? इसका आंसर है यूके में, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में। आपसे एसीएफ में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया था इसी ऑप्शन के साथ, ठीक है। एसीएफ के पेपर में क्वेश्चन आया था, इसका आंसर है यूके। हालांकि यूके ना रख करके उन्होंने ब्रिटेन दिया था, तो चालाकी करते हैं वो लोग, ठीक है। तो सबसे पहले लोनलीनेस मिनिस्ट्री या फिर लोनलीनेस मिनिस्टर कहाँ पर आया था ये चलन में? यूनाइटेड किंगडम में। भारत सरकार ने फेब में नारंगी ऑरेंज रंग का पासपोर्ट जारी करने का निर्णय लिया था किन लोगों के लिए? यानी कि जो मैट्रिकुलेशन या उससे कम पास हैं उनके लिए नारंगी रंग का पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एचआरडी मिनिस्ट्री ने ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की शुरुआत करने की बात कही थी और अभी भी इसमें कोई ऐसी प्रोग्रेस नहीं हुई है। सितंबर में भी दोबारा हमारे प्रकाश जावड़ेकर जो इस समय राज्य मंत्री हैं एचआरडी के, उन्होंने बोला था कि हम जल्द ही डिजिटल बोर्ड योजना लेकर के आएंगे, यानी कि हर कक्षाओं में छोटे बड़े स्कूलों की मैट्रिक लेवल से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल तक के कॉलेजेस में आपको व्हाइट बोर्ड देखने को मिलेगा और प्रोजेक्टर का सिस्टम देखने को मिलेगा क्लासेस में। हालांकि ये बात कही जा रही है और एक डेडलाइन भी इसमें रखी गई है, कब तक हम देख सकते हैं हर क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड और प्रोजेक्टर 2022 तक। एचआरडी ने इस लक्ष्य को पूरा करने का एक डेडलाइन रखी है 2022। किस देश के राष्ट्रपति ने महिलाओं के शराब खरीदने पर 4 दशक पुराने प्रतिबंध को बहाल कर दिया? ये किसने किया था? श्रीलंका ने। आप जानते हैं श्रीलंका के 2 कैपिटल होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, एक डिफेक्टो कैपिटल होता है। तो श्रीलंका के 2 कैपिटल हैं, एक है कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरकोट्टे, ठीक है, ध्यान रखना इसको। 7वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2018 का आयोजन 14 जनवरी 2018 को कहां पर किया गया था? बेंगलुरु में। आज हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी एसीएफ वाले पेपर में, आप देखोगे उसमें हमसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश में किस शहर में हमारा संस्कृति केंद्र है, संस्कृति मंत्रालय का संस्कृति केंद्र कहां पर है? कानपुर में है, लखनऊ में है, इलाहाबाद में है कि वाराणसी में है? उसका आंसर है इलाहाबाद। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2018 का आया था और इसको कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भारत की रैंकिंग 30वीं रही थी और सर्वप्रथम रैंक प्राप्त की थी जापान ने। तो किसी भी इंडेक्स में आप 3 ही चीज़ें ध्यान रखेंगे, इंडेक्स जारी कौन करता है, इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है और पहली रैंक किसने हासिल की है। तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को जारी करता है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, भारत की रैंक 30वीं, पहली रैंक जापान को। विमेन हेल्थ वॉलंटियर गीता वर्मा को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वर्ष 2018 कैलेंडर में स्थान मिला था, ये किस राज्य में रहने वाली हैं? इसको पता होना चाहिए आपको, ये हिमाचल प्रदेश की हैं, ठीक है। गीता वर्मा, इनको WHO ने अपने कैलेंडर में जगह दी थी। 3 मूर्ति चौक जिसका नाम बदल करके 3 मूर्ति हाइफा चौक रखा गया है, इस पर निम्नलिखित में से किस देशी राज्य की प्रतिनिधि सेना की मूर्ति नहीं लगाई गई है? राजकोट लैंसर्स को, ठीक है, राजकोट लैंसर्स। नासा ने गैलेक्सी की खोज की थी फेब में, उसका नाम रखा गया था SPT-0615ZT, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। ओडिशा सरकार ने निम्नलिखित में से किस हल्दी की किस्म को, स्पीशीज को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के टैग के लिए आवेदन किया था और बाद में मैं आपको बता दूं कि इसको मिल गया था टैग, कंधमाल हल्दी को ओडिशा की GI टैग मिल गया था बाद में, आवेदन इन्होंने फेब में किया था। इस साल काफ़ी सारी चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा GI टैग, जैसे बंगाल के रसगुल्ले को, कंधमाल हल्दी को, आदिलाबाद की डोकरा क्राफ्ट को, वारंगल की दरियों को, और एक विशेष तरह का लकड़ी का मुखौटा होता है पश्चिम बंगाल में उसको, और प्लस कड़कनाथ चिकन को, और लेटेस्ट में महाराष्ट्र के हापुस आमों को यानी कि अल्फांसो मैंगोस को। 3रा विज्ञान फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन हुआ था गोवा में, आप याद रख सकते हैं वेन्यू। भारत के किस अभिनेता को दावोस में आयोजित की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ये किया गया था शाहरुख खान को और SSC वालों ने काफ़ी इससे क्वेश्चन बनाया जितने भी अपने एग्जाम्स लिए थे इस बार। सूचना प्रौद्योगिकी का ओलंपिक कहे जाने वाले सूचना प्रौद्योगिकी विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ था? हैदराबाद में, जो कि जिनोम वैली के नाम से भी जानी जाती है। मार्च के आसपास अनुशंसा की गई थी कि जो एडवोकेट है इंदु मल्होत्रा, इनको सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश का पद दिया जाए, और आज की डेट में आप देखेंगे कि वो हैं भी इस समय। इंदु मल्होत्रा पहली बार किस महिला को सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा प्रदान किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है लीला सेठ। स्फूर्ति ऐप किसने लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था रेल मंत्रालय ने, आप देखेंगे जैसे जैसे MCQs आगे बढ़ेंगे, हमने लॉन्च होते हुए देखा यहाँ पर रेल मंत्रालय के द्वारा रेल मदद ऐप को, IRCTC की नवीनतम वेबसाइट को और सहज पोर्टल को, ठीक है।
सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1984 के सिख दंगों की फिर से जांच करने के लिए 11 जनवरी 2018 को एक एसआईटी का गठन किया था, ठीक है। इसके हेड कौन थे इस एसआईटी के? इसके हेड थे जस्टिस एस एन ढींगरा, जस्टिस एस एन ढींगरा। निम्नलिखित में से किस राज्य में अभी मतदाता सूची में वोटर लिस्ट में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक पाई गई थी? ये पाई गई थी मेघालय में चुनाव से पहले। भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना था जहां पर केवल महिलाएं स्टाफ हैं, ओनली वुमेन स्टाफ वाला ये स्टेशन बना था, माटुंगा। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसको जगह मिली थी और काफ़ी सारे आने वाले एग्जाम्स में, मतलब जो बाद में हुए थे मार्च के बाद, इसमें इससे क्वेश्चंस बनाए गए थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किस जगह पर धर्म धम्म पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था? राजगीर से। राजगीर कहाँ पड़ता है? बिहार में। हिमाचल प्रदेश की आंचल ठाकुर ने स्कीइंग में भारत को पदक दिलाया था। स्कीइंग स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में भारत की तरफ से पहली बार किसी भी प्लेयर ने पदक जीता था, तो ये आप याद रख सकते हैं। तुर्की में प्रतिस्पर्धा आयोजित हुई थी और आंचल ठाकुर जो कि आती हैं हिमाचल प्रदेश से, इन्होंने स्पिंग स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में पहला हमारा पदक जीता। भारतीय रेलवे बायो टॉयलेट्स के लिए इनोकुलम का इस्तेमाल कर रहा है। इनोकुलम होता क्या है? गाय के गोबर का मिक्सचर होता है, ठीक है। इनोकुलम मतलब गाय के गोबर का मिक्सचर। मार्च के आसपास दिल्ली ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना आरंभ की थी, 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा करवाने के लिए, तो ये आप इसमें याद रख सकते हैं। हाल ही में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी कि एमपीलैड, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसको 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1993 में, ठीक है, वर्ष 1993 में शुरू की गई थी और इसको 2020 तक बढ़ा दिया गया है। अब देखेंगे एमपीलैड्स में काफ़ी सारी और भी चीज़ें हुई थी। और आप ये हमको कमेंट्स में लिख करके बताइए कि एमपीलैड स्कीम के तहत अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने एरिया पर डेवलपमेंट कार्यों को करवाने के लिए एक एमपी को कितना अमाउंट असाइन किया जाता है, कितनी राशि मिलती है एमपीलैड स्कीम के तहत अपने क्षेत्र में विकास करवाने के लिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जल्दी से कमेंट्स में लिख करके बताएं। मार्च 8 तारीख को जिस दिन हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इस दिन किस राज्य की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली लड़कियों के लिए सब्सिडी पर आधारित सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने के लिए अस्मिता योजना शुरू की थी? ये शुरू की थी महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने 8 मार्च को, जिस दिन हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं, इस पर अस्मिता योजना अपनी शुरू की थी जो कि संबंधित है सैनिटरी नैपकिन से। काफ़ी सारी और भी स्कीम्स आई थी अलग अलग मंत्रालयों की तरफ से। इस दिन 8 मार्च को स्त्री स्वाभिमान स्कीम, इसकी शुरुआत की गई थी सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा, जिसके इस समय हेड हैं रविशंकर प्रसाद, उस समय भी थे। 30 जनवरी को विश्व संपत्ति रिपोर्ट आई थी और उसके अनुसार आप देखेंगे भारत विश्व का सबसे छठा धनी देश पाया गया था, अमेरिका विश्व का सबसे ज़्यादा धनी देश पाया गया था, और ये रिपोर्ट जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। तो ये तीन चीज़ें आप इसके बारे में याद रखेंगे। भारत छठा सबसे धनी देश पाया गया था इसमें, और इससे क्वेश्चंस बनाए गए थे अभी के एग्जाम्स में, आपने देखा भी होगा अगर आप अपियर होते रहते हैं तो। इकोनॉमिक सर्वे 2017-2018 में गुलाबी रंग इनमें से किस चीज़ का इंडिकेटर है? गुलाबी रंग इंडिकेटर है लैंगिक मुद्दों का, यानी कि जेंडर बेस्ड इशूज़ का। ग्रैंड स्लैम में सबसे पहले आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन देखने को मिलता है, और इसमें हमने आपको स्पोर्ट्स के वीडियो में बताया कि मेन सिंगल में किसने जीता, रॉजर फेडरर ने। रॉजर फेडरर आते हैं स्विट्जरलैंड से। 26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया था? महाराष्ट्र की झांकी को। आईपीएल में पहली बार नेपाल के एक खिलाड़ी को ऑक्शन में शामिल किया गया था, इसका नाम है संदीप लामिछाने। मार्च के आसपास अटल पेंशन योजना के संचालन के लिए किस पेमेंट बैंक को अनुमति मिल गई थी? एयरटेल पेमेंट्स बैंक को। ये क्वेश्चन जो है लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है जो मल्टीपल शिफ्ट में होता है। अब देखेंगे कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला को मिला था अशोक चक्र 26 जनवरी 2018 को, मतलब इनके परिवार को मिला था मरणोपरांत इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। अशोक चक्र शांति काल में सैनिकों को दिए जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, और ये मिला था कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला को, इनके परिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने दिया था। रॉजर फेडरर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल जीता था, वुमेन सिंगल जीता था कैरोलिना वोजैनकी ने। कैरोलिना वोजैनकी आती हैं बेलारूस से।
बेलारूस की कैपिटल क्या है आप लोग कमेंट्स में लिख करके बताइए, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और फाइनल में इन्होंने रोमानिया की सिमोना हैलेप को पराजित किया था और ये पहली बार ग्रैंड स्लैम जीता था कैरोलिना ने, आप ध्यान रख सकते हैं इसमें। कैरोलिना वोजैन की अलग है, कैरोलिना मारिन अलग है और उनको मिक्स नहीं कर देना। कैरोलिना मैरिन आती है स्पेन से और वो टेनिस प्लेयर है ही नहीं, वो है बैडमिंटन प्लेयर। पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती थी, किस टीम ने? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेशनल वैक्सीनेशन डे हम लोग मनाते हैं, ये मनाते हैं हम लोग 28 जनवरी को। आपको अगले में बताना है कि आयुष मंत्रालय किसकी जयंती पर, किसके जन्मदिवस के अवसर पर यूनानी दिवस मनाता है? हकीम अजमल खान की जयंती पर आयुष मंत्रालय सेलिब्रेट करता है यूनानी दिवस। नासा का कौन सा सैटेलाइट पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर रहते हुए किसी सुदूरतम आकाशीय पिंड का चित्र लेकर रिकॉर्ड स्थापित करेगा? न्यू होराइजन्स, ठीक है, सैटेलाइट का नाम है न्यू होराइजन्स। भारत साउथ अफ्रीका की सीरीज में तीसरा ओडीआई खेला गया था गुलाबी कपड़े पहन करके, गुलाबी जर्सी में, गुलाबी एक दिवसीय मैच इसको कहा गया था, पिंक ओडीआई। पिंक ओडीआई की संज्ञा किस लिए दी गई थी? स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर में जागरूकता फैलाने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। उत्तर प्रदेश के किस शहर में गार्बेज एटीएम स्थापित किए गए हैं? ये किए गए थे मार्च एंड के आसपास लखनऊ में। जर्मनी में एबेंटिए 2018 का आयोजन हुआ था, भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था। उपभोक्ता वस्तु व्यापार मेला है कुल मिलाकर के एबेंटिए, ये आप याद रखें इसमें। और यूनानी दिवस हम लोग मनाते कब हैं? यूनानी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 11 फेब को, 11 फरवरी को। मार्च के आसपास अनाउंस किया गया था कि भारत अंगूर फसल त्यौहार इंडिया ग्रेप हार्वेस्ट फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? नासिक में, नासिक महाराष्ट्र में। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के बारे में थोड़ी चीज़ें जान लीजिए आप, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। सर्वाधिक स्वर्ण पदक हरियाणा ने जीते हैं, सर्वाधिक पदक महाराष्ट्र ने जीते और इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 के ये कुछ फैक्ट्स। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने निम्नलिखित में से किसे संगठन की प्रथम महिला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया था? ये किया था इंदिरा नोई को, इन्हें डायरेक्टर बनाया गया था, फीमेल डायरेक्टर आईसीसी का। हालांकि जो मेन कंपनी पेप्सिको से जुड़ी हुई है, सितंबर में इन्होंने एमडी और सीईओ के पद से स्टेप डाउन कर दिया था, ठीक है। तो लगौटा यहाँ पर बने थे पेप्सिको के, इस समय जो हेड बने हुए हैं इंदिरा नोई ने स्टेप डाउन कर दिया था पेप्सिको से, काफ़ी न्यूज़ में चीज़ आई थी तो आप इसमें याद रख सकते हैं। प्रोजेक्ट भोग का किस संस्थान में शुभारंभ किया गया था मार्च में? भारतीय खाद्य एवं सुरक्षा प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने। FSSAI के इस समय हेड कौन है बताइए कमेंट्स में लिख करके, जल्दी बताइए कमेंट्स पे लिख करके। किस अमेरिकी सांसद ने लगातार 8 घंटों तक भाषण देने का रिकॉर्ड बनाया? नैन्सी पोलोसी ने। लगातार 8 घंटे तक ये बोलती नहीं थी, बिना ब्रेक के खाली पानी का सहारा लेकर के, वहीं खड़े खड़े माइक पोडियम पर, तो इंपॉर्टेंट है, पेक्यूलर इवेंट है, ध्यान रख सकते हैं नैन्सी पोलोसी। व्यापार शुरू करने के 12 वर्षों के इतिहास में पहली बार किस कंपनी ने लाभ अर्जित किया था? ट्विटर ने। ट्विटर ने अनाउंस किया था कि पहली बार उन्होंने किसी वर्ष में लाभ कमाया। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इतिहास में 200 विकेट लेने वाली प्रथम महिला गेंदबाज बनी भारत की ही झूलन गोस्वामी। सबसे पहली बार पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, महिला क्रिकेट में 200 विकेट इन्होंने ही लिए, झूलन गोस्वामी। जस्टिस अभिलाषा कुमारी ने 9 फरवरी 2018 को मणिपुर हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली थी, ध्यान रखें इसको। अच्छा बताइए कि किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है कमेंट्स में लिख करके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत हम लोग व्यय करने वाले हैं? 2.5%। प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता योजना के तहत प्रतिवर्ष बीटेक एमटेक छात्रों को कितने फेलोशिप प्रदान किए जाएंगे? 1000। 1000 छात्रों को फेलोशिप प्रदान की जाने वाली थी इस योजना के तहत। विनय शीतल ओबराय कमेटी का गठन किस उद्देश्य किया गया था? सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए, ठीक है, सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए विनय शीतल ओबराय कमेटी का गठन किया गया था। नेशनल साइंस डे हम लोग मनाते हैं 28 फरवरी को, थीम आप लोग लिख करके बताएंगे कमेंट्स में। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आई थी और सर्वोच्च रैंकिंग किस विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई थी? नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर को। चलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम आपको बताई देते हैं, हमारे क्वेश्चंस में से है, टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसकी थीम थी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, जो कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 28 फरवरी को।
ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स उपलब्ध करवाने के लिए किस राज्य में 5 फरवरी 2018 को गोवर्धन योजना की शुरुआत की गई थी? गोवर्धन योजना शुरू की गई थी हरियाणा में, और डेयरी अनुसंधान केंद्र जो है करनाल डिस्ट्रिक्ट में, मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ पर मौजूद थे, और पार्टिकुलरली किस मिनिस्टर ने प्रक्षेपित की योजना? उमा भारती जी ने, जो इस समय मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन को देख रही हैं, इन्होंने जारी की थी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल डिस्ट्रिक्ट से। सारी इंपॉर्टेंट इन्फो आप इसके बारे में याद रख सकते हैं।